हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को एक और हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आज आप सभी को जो हमारा दूसरे गांव में दूसरा घर है, दिखाते हैं आप सभी को हमारा घर कैसे बन रहा है। बन वन के कंप्लीट हो गया है, दीवार वाल खड़ा हो गया है, केवल छत ही लदाना बाकी है। एक बीघे में पूरा है, ठीक है के? जाओ, देखिए रोड भी बनना है हमारे घर के सामने, और ये मेरा दूसरा घर है, और ये रहा मेरा दूसरा घर। ये मेरा दूसरा घर है जो कि दूसरे गांव में है। ये आगे का है और आप सभी को पीछे का भी हम दिखाते हैं कुछ नज़ारा। ये सब देखिए भाड़े पे ला के खड़ा किए हैं, अरे मतलब सब अपना ही है। ये देखिए मेरे पिताजी वो बैठे हुए हैं, ये मेरा भांजा है, रोड भी बनना है, वो देखिए भूसा वाली मशीन है ये। अभी देखिए, चलिए हम पीछे का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए अंदर का एंट्री है, उधर से भी एंट्री है, उस साइड से भी। अभी छत ही केवल नहीं लदा है, बाकी दीवाल दीवाली सब हो गया है, दीवाल का पूरा काम हो गया है, केवल छत ही नहीं लदा है। तो देख सकते हैं आप सब लोग, ये मेरा दूसरा घर है, दूसरे गाँव में है, और ये मेरा दूसरा घर है, बन रहा है, जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरे एक बीघा में है ये, पूरे एक बीघा में घर बना हुआ है, केवल दीवाल दीवाल सब खड़ा है, बाकी छत नहीं लदा है, छत लदने ही वाला है। ये देखिए गाइस, पीछे का ऐसा नज़ारा है। उधर वो पीछे का थोड़ा सा मतलब दीवाल नहीं खड़ा हुआ है, अभी जब छत लदेगा तो वो दीवाल भी खड़ा हो जाएगा। बाकी एक बीघा में ये ज़मीन है, बाकी एक बीघा में ये पूरा घर हमारा बना हुआ है। अभी जब छत लदेगा तो वो दीवार जुड़ जाएगा। वो जो उस साइड खाली दिख रहा है, अभी वो दीवार नहीं खड़ा हुआ है। ये देखिए पीछे का कुछ खेत है, ये अपना ही है। ये देखिए मेरा छोटा भाई है, बरसीन काट रहा है भैंस के लिए, एक छोटी सी पड़िया है। पड़िया हुआ बल्लम की भैंस होगी अब, हाँ बल्लम दिया ही वही कब। ये देखिए बरसीन है, और मेरा दुकान भी पीछे है, आप सब देखे ही हैं। ये जो हमारा दुकान है, पहले चौराहे पे था। ये देखिए हमारा दुकान जो गांव के पास आ गया है, पहले चौराहे पे ही था, तो भाड़े पे रूम था। जिसके रूम में हम रहते थे तो उन्होंने लाइट कटवा दिया, तो बिना लाइट का काम नहीं होने वाला है, इसलिए हम खाली कर दिए, अपने रूम में आ गए। अभी फिर यहाँ से कुछ दिन में हम चले जाएंगे, क्योंकि सामान को सुरक्षित रखने के लिए अपने रूम में लेकर आए थे।